रविवार भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कन्वेक्शन हॉल में लेबर कमिश्नर दीप्ति सिंह, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर विश्वजीत सागर देहरादून, ईएसआईसी रीजनल डायरेक्टर राकेश कुमार, एडिशनल लेबर कमिश्नर श्रम विभाग अनिल पटेल सहित डिप्टी डायरेक्टर अनिल पेटवाल की मौजूदगी में एचआर कॉन्क्लेव के दौरान लक्सर में स्थित श्री सीमेंट कंपनी के एचआर आलोक मरोलिया का नाम टीम लीडर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले के आसपास स्थित 400 इंडस्ट्रीज मानव संसाधनों के अध्यक्षों की मौजूदगी में उनके द्वारा श्री सीमेंट कंपनी के एचआर आलोक मरोलिया की बहुमुखी प्रतिभा और उनके द्वारा किए गए सामाजिक उपयोगिता के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए उनके नाम को लीडर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए चुना गया। वहीं टीम लीडर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किए गए आलोक मरोलिया का कहना है, ये ना सिर्फ हमारे लिए गौरव का विषय है बल्कि क्षेत्र के उन प्रत्येक व्यक्तियों के लिए भी गौरव की बात है जिन्होंने उनके कार्य में योगदान दिया है। सर, पहले तो मेरे आसपास के जितने भी गाँव के निवासी हैं, सरकारी अधिकारीगण हैं, मीडिया के साथी हैं, जिन्होंने श्री सीमेंट ने जो भी अपने आसपास के नागरिकों के कार्य किए उनका प्रकाशन और प्रसारित किया, उसका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आप लोगों के लिए अपना आभार प्रकट करता हूँ। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आपके क्षेत्र में रह करके मुझे ऐसा काम करने का सौभाग्य। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।